हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है समावयवता, अर्थात इंग्लिश में इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिस्टमेटिक टॉपिक है। अगर एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में इसको पढ़ा जाए तो ये बहुत ही जल्दी आपके लिए मक्खन हो जाएगा। देखो, बात को समझो, जो आपका समावयवता है, आइसोमेरिज्म है, उसका एक बेसिक मतलब होता है और उसके मतलब को बेहतर समझ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल से। जैसे हमारे पास एक चीज है CH3 CH2 CH2 Cl, इसके अंदर कितने कार्बन है? इसके अंदर तीन कार्बन है। इसमें कितनी हाइड्रोजन है? तीन और दो पांच और दो सात, सात हाइड्रोजन है और एक Cl है। मतलब इस बंदे का जो आणविक सूत्र है वो है C3H7Cl। ठीक बात। अब मैं क्या करता हूं, इस Cl को उठा करके बीच में रख देता हूं। अब इसका आणविक सूत्र लिखते हैं, तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? इसके अंदर कितने C हैं? एक दो तीन। इसके अंदर कितनी हाइड्रोजन है? तीन और तीन छह और एक सात। इसमें कितने क्लोरीन है? एक ही क्लोरीन है। तो अगर आप गौर फरमाओ दोस्तों, तो ये वाला आणविक सूत्र और ये वाला आणविक सूत्र बिल्कुल बराबर है। फर्क किस बात का है? चेंज क्या है? चेंज है इन दोनों की संरचना में। यहां पे क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे है और यहां पे क्लोरीन सेकंड नंबर पे है। तो वे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र जो है वो एक समान होता है, बराबर होता है, सेम होता है, परंतु उनकी संरचना में फर्क होता है या फिर उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है, जिसको हम बोलते हैं त्रिविम व्यवस्था, उसमें फर्क होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के समावयवी हैं। और इस घटना को केमिस्ट्री में कहा जाता है समावयवता। तो कभी भी समावयवता का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक बात पे फोकस करना कि आणविक सूत्र एक जैसे होंगे। आणविक सूत्र एक जैसे होंगे मतलब जो अणु है उसके अंदर जो परमाणुओं की संख्या है वो बिल्कुल बराबर होगी। यहां भी तीन कार्बन, यहां भी तीन कार्बन, यहां सात हाइड्रोजन, यहां भी सात हाइड्रोजन, यहां एक क्लोरीन, यहां भी एक क्लोरीन। फर्क होगा तो दो चीजों में होगा, एक तो उसकी संरचना में और दूसरा उसकी त्रिविम व्यवस्था में, मतलब उसके स्ट्रक्चर में, उसकी स्पेस में देखने पर कौन सा हाइड्रोजन कहां है, कौन सा क्लोरीन कहां है, उसमें फर्क आएगा। समझ गए? तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, उपसहसंयोजी यौगिक के समावयवता को पढ़ने वाले हैं। एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा और टॉपिक एकदम सिंपल लगेगा। शुरू करते हैं। चलिए जी, तो अब उपसहसंयोजी यौगिक की समावयवता का अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो उपसहसंयोजी यौगिकों की समावयवता है उसमें बेसिकली दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला, संरचना समावयवता। पहला रूप कौन सा होता है? संरचना समावयवता। और दूसरा त्रिविम समावयवता। तो पहला होता है संरचना समावयवता, दूसरा होता है त्रिविम समावयवता। एक एक करके दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं संरचना समावयवता से। संरचना समावयवता के अंदर भी बहुत सारे प्रकार आते हैं। सबसे पहला प्रकार अपन ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इसका पहला प्रकार बोल सकते हैं, ए बोल देते हैं, चलो, है ना। शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रकार है आयनन समावयवता। इसमें पहला प्रकार है आयनन, आयनन समावयवता। अब आयनन समावयवता क्या होती है, इसको समझाने के लिए मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगा। एग्जाम्पल लिखते ही आपको क्लिक कर जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखना, ये देखिए, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इन दोनों के अंदर ये गिनते हैं कि कौन कौन सा जो आपका तत्व है वो कितना कितना है। देखो, दोनों में कोबाल्ट एक एक है, दोनों में सल्फेट है, दोनों में एक एक Br है, दोनों में NH3 पांच है। इसका मतलब इन दोनों का आणविक सूत्र, मतलब कितने अणु उपस्थित हैं, कितने परमाणु, कितने तत्व उपस्थित हैं, वो बराबर है।
ठीक है, फर्क किस बात का है वो समझना। फर्क ये है कि आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोग उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ रहे हो, कि जब इस बंदे को पानी में डाला जाएगा तो आपका डब्बा अलग हो जाएगा और आपका प्रतिआयन अलग हो जाएगा। ऐसे ही इसको जब पानी में डाला जाएगा तो डब्बा अलग हो जाएगा और प्रतिआयन अलग हो जाएगा। समझो, SO4 होता है 2-, तो अगर ये 2- है तो ये 2+ बन के अलग होगा। Br होता है माइनस, तो माइनस को बैलेंस करने के लिए प्लस बन के अलग होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो मुझे दो तरह के आयन मिलेंगे, कौन कौन से, CoBr NH3 5 2+ और दूसरा आयन मिलेगा SO4 2-। और अगर इसको पानी में डालेंगे तो मुझे मिलेगा CoSO4 NH3 5+, एक आयन ये मिलेगा, दूसरा आयन मिलेगा Br-। तो किस बात का फर्क आ रहा है दोस्तों, दोनों के सूत्र में अणुओं की परमाणुओं की संख्या बराबर है, परंतु फर्क इस बात का है कि जब इसको पानी में डालेंगे तो कुछ और आयन मिल रहे हैं, इसको पानी में डालेंगे तो कुछ और आयन मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपका लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है Br, और SO4- प्रति आयन की तरह बर्ताव कर रहा है, जबकि यहां पर SO4 लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है और Br- प्रति आयन की तरह कार्य कर रहा है। आपको पता है कि उपसहसंयोजी यौगिक के अंदर डब्बे के अंदर के आयन कभी भी बाहर नहीं आते, तो यहाँ पे ये डब्बा ऐसे कैसा बाहर आएगा, यहाँ पे डब्बा ऐसे कैसा बाहर आएगा, यहाँ Br- अलग होगा, यहाँ पे SO4 2- अलग होगा। तो वो संभाव्यता जिसके अंदर निकलने वाले आयनों की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, आयनन संभाव्यता कहते हैं। दोनों में सब कुछ बराबर है, बट जैसे इसको पानी में डालोगे अलग आयन मिलेंगे और इसको पानी में डालोगे तो अलग आयन मिलेंगे। समझ गए बात को? तो आपको केवल यह देखना होता है संभाव्यता में कि फर्क क्या आ रहा है, क्या चीज सेम मिलेगी। जितने परमाणु इसके अंदर कोबाल्ट के उतने इसमें, जितने Br के इसमें उतने इसमें, जितने NH3 के इसमें उतने इसमें, जितना SO4 उतना ही SO4 इसके अंदर, ये चीज सेम है, बाकी फर्क किस बात का है। और जिस बात का फर्क होता है ना दोस्तों, वही उसका नाम हो जाता है। तो यहाँ पे आयनन का फर्क है, यहाँ पे बनने वाले आयन का फर्क है, इसलिए समावयवता का नाम हो गया आयनन समावयवता। इतना मक्खन टॉपिक है। दूसरा देखो, अगला है बंधक समावयवता, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म इंग्लिश नाम में इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयन का फर्क आया ना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बंधक समावयवता के भी दो एग्जाम्पल देता हूं, फिर अपन पकड़ेंगे कि भाई उसमें क्यों कहा जा रहा है कि समावयवता है। देखो जी, चलो अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, अब थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहां पे इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में CR सेम है, एक एन, एक सी, एक एस, जल के पांच अणु, दो प्लस चार्ज। मतलब दोनों के आणविक सूत्र के हिसाब से अगर परमाणुओं की तत्वों की संख्या देखी जाए तो वो बिल्कुल बराबर है। फर्क किस बात का है, फर्क बहुत छोटा सा है, समझना ध्यान से। आपके पास जो लिगेंड है SCN वो ऐसे लिखा हुआ है, और दूसरे वाले में जो लिगेंड है वो ऐसे लिखा हुआ है NCS। बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों, ध्यान से समझना। इसमें जब लिखा हुआ है SCN तो जो आपका सल्फर है वो सल्फर इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है आपके क्रोमियम को। दान करने का मतलब ये नहीं देके निकल जाएगा, आपको अच्छे से पता है कि जब उपसहसंयोजी बंध बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन देकर के उसके साथ चिपक जाता है, पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो यहां पे कौन चिपक रहा है, सल्फर चिपक रहा है, और दूसरे वाले केस में कौन चिपक रहा है, क्रोमियम से नाइट्रोजन चिपक रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लिगेंड में दो परमाणु ऐसे होते हैं जो बर्ताव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके
HCN के अंदर sp इलेक्ट्रॉन देकर के बंद बना सकता है और n भी बना सकता है। जब s बनाता है तो इसको कहा जाता है थायोसाइनाइड या थायोसाइनो कहा जाता है इसको, लिगेंड के नाम में अगर लिखा जाए। और जब इसी में आपका n बंद बनाता है तो इसको कहा जाता है आइसोथायोसाइनो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका नामकरण संस्कार जब आप करोगे तो लिगेंड के नामकरण संस्कार में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर S ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब S भाई साहब जुड़ रहे हैं क्रोमियम से, और अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब N भाई साहब जुड़ रहे हैं क्रोमियम से। फर्क किस चीज का आ रहा है? फर्क आ रहा है बंधक, लिंकेज, लिंक कौन कर रहा है। तो यहां पर लिंक कर रहा है आपका सल्फर और यहां पर लिंक कर रहा है नाइट्रोजन। तो जब लिंक का फर्क आता है, कौन बंधक हो रहा है, कौन बंध बना रहा है, इसका फर्क आता है तो उसे कहा जाता है बंधक समावयवता, अर्थात इंग्लिश में कहते हैं उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म। बहुत खूबसूरत टॉपिक है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। पहली बात तो इनमें अंतर क्या है? अंतर एक ही है कि यहां पर सल्फर नाम का बंधा जो है वो बंध बना रहा है और यहां पर नाइट्रोजन नाम का बंधा बंध बना रहा है। ऐसा नहीं है कि इसी में होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपका NO2 में चाहे तो N बंद बना सकता है, चाहे तो O बना सकता है। जब N बनाता है तो NO2 ऐसे लिखते हैं और जब O बनाता है तो ONO ऐसे लिखा जाता है। समझो बात को, जब NO2 में देखा जाए तो N भी बना सकता है, O भी बना सकता है। जब N बनाता है तो उसके लिए वर्ड काम में आता है नाइट्रो, और जब O बनाता है इसी में तो नाइट्रिटो, NITRITO। आगे बात समझ में? तो ये जो है ना, जब आपके पास कोई ऐसा लिगेंड हो जिसमें एक से ज्यादा ऐसे परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बना सकते हैं, तो फिर उस केस में कौन सा मिलता है? बंधक समावयवता देखने को मिलती है। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है थायोसाइनो आइसोथायोसाइनो का, दूसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया NO2 का। तो कभी भी NO2 के यौगिक मिलेंगे तो देखना वहां पे कि N लिखा हुआ है या फिर O लिखा हुआ है। मैं इसका परफेक्ट एग्जांपल भी आपके सामने एक लिख देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हाँ, आप देखिए, मैंने आपके सामने दोनों के एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जब आपके कोबाल्ट को N दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन तो ऐसे NO2 लिखा होता है, और NO2 में से O दे रखा होता है तो ऐसे ONO लिखा होता है। तो जब लिगेंड का नाम आप लिखोगे नामकरण संस्कार में तो यहां पे यूज करना नाइट्रो, और जब यहां लिखो तो यूज करना नाइट्रिटो। आई बात समझ में? तो ये कौन सा आपका कहलाता है आइसोमेरिज्म, ये कौन सी समावयवता है? बंधक समावयवता। तो दो समावयवता मैंने आपको पढ़ाई है, पहली तो पढ़ाई आयनन जिसमें आयन का फर्क आता है, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया बंधक समावयवता जिसमें आपका लिगेंड में कौन सा परमाणु बंध बना रहा है उससे फर्क उत्पन्न होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, थर्ड वाला देखते हैं। सी हेडिंग लगाओ, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता, समझना बात को। जब ये हाइड्रेट वर्ड आ जाता है ना तो हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो जल के अणुओं के इधर उधर होने से जो समावयवता उत्पन्न होगी उसको हम कहते हैं हाइड्रेट समावयवता। तो हर समावयवता के अंदर एक नाम होता है, उस नाम से आप पकड़ सकते हो। जैसे सबसे पहला आपने पढ़ा था अभी आयनन समावयवता, आयनन का फर्क होगा आयन का फर्क होगा। दूसरा आपने पढ़ा बंधक समावयवता, कौन बंध बना रहा है उसका फर्क होगा। यहां नाम में है हाइड्रेट समावयवता, मतलब जल के अणुओं का फर्क होगा। अब मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण ऐसे लिखूंगा जिसमें जल के अणुओं की संख्या तो बराबर होगी, बट आप थोड़ा सा ध्यान देना, खुद से समझना कि जल के अणुओं की स्थिति क्या है। अगर जल के अणुओं की स्थिति पर आप गौर फरमाओगे तो बिना मेरे समझाए ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रेट समावयवता क्या है। ध्यान से पूरा फोकस करके देखिएगा, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं। लेट्स सी, एक एग्जाम्पल ये लिखा मैंने, दूसरे एग्जाम्पल में देखना ध्यान से, आप खुद ही समझ लोगे। चमका, हमारे जल भाई साहब जो है, जो अंदर थे डब्बे के अंदर थे, वो डब्बे से बाहर चले गए, और एक सीएल जो बाहर था वो अंदर आ गया। मतलब जल के अणुओं ने अपनी स्थिति को बदला है। जल के अणु इस वर्गाकार कोष्टक के अंदर जितने थे और बाहर जितने थे उसमें अंतर आया है। एक और एग्जाम्पल,
मेरे लिखने के साथ में ही आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रेट समावयवता क्या है, और अगर क्लियर हो गया है तो आपके खुद के लिए एक लाइक बनता है कि आप चीजों को समझ पा रहे हो, कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो कि यहां पे इन तीनों में जितने क्रोमियम है सब में सेम है, जल के अणु सब में सेम है, सीएल सब में सेम है। फर्क किस बात का है? जो जल के 6 अणु पहले अंदर थे, अब 5 अंदर है 1 बाहर है, अगले वाले में 4 अंदर है 2 बाहर है, और ये सीएल का आदान प्रदान क्यों हो रहा है? आप समझ सकते हो कि क्रोमियम भाई साहब को 6 लोग चाहिए। पहले वो 6 लोग कौन है? जल। अब अगर एक जल बाहर जाता है तो क्रोमियम भाई साहब का मन लगाने के लिए एक सीएल अंदर आता है। अगर एक और जल का अणु बाहर जाता है तो क्रोमियम भाई साहब का मन लगाने के लिए एक और सीएल अंदर जाता है। तो सीएल का आदान प्रदान क्यों हो रहा है वो तो हम बेसिकली समझ गए, उसमें लोड की बात नहीं है। मेन बात यह है कि इनको हाइड्रेट समावयवता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जल के अणुओं में परिवर्तन है वर्गाकार कोष्टक के अंदर और वर्गाकार कोष्टक के बाहर। आई बात समझ में? तो जब इस तरह से होता है तो इसे कहा जाता है समावयवता। समावयवता आपको चुटकियों में मक्खन हो सकती है अगर आप केवल एक बात पे फोकस करो कि किसी न किसी चीज का फर्क होगा और उसी फर्क से उसका नाम होगा। वाह वाह क्या बात है, किसी न किसी चीज का फर्क होगा और उसी फर्क से उसका नाम होगा। जुगलबंदी बढ़ गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, बढ़िया, वाह वाह कर देना कमेंट सेक्शन में। तो हाइड्रेट समावयवता का मतलब हो गया जल के अणु में फर्क। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग समन्वयी समावयवता। समन्वयी समावयवता, अब मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो गए हो इस वीडियो को देखते देखते, और अब आप लोग खुद ही पकड़ लोगे फर्क क्या है। तो मैं आपके लिए छोटा सा गेम रख रहा हूं, मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बताना है फर्क क्या है, और फर्क देखते खुद में चमक जाएगा, खुद से चमक जाएगा कि समन्वयी समावयवता का क्या मतलब होता है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप फोकस करो। अंतर बताओ, प्रतियोगिता खेलोगे ना तो ये टॉपिक मक्खन हो जाएगा। क्या खेलना है? अंतर बताओ प्रतियोगिता। आपके सामने 2 चित्र हैं, दोनों चित्रों में अंतर बताओ प्रतियोगिता खेलो। दोनों चित्रों में अंतर बताओ प्रतियोगिता खेलो। दोनों चित्रों में अंतर बताओ प्रतियोगिता खेलोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो लिगेंड क्रोमियम के साथ था वो लिगेंड अब कोबाल्ट के साथ है, और जो लिगेंड पहले कोबाल्ट के साथ था सीएन वो अब क्रोमियम के साथ है। तो अगर आयनों का आदान प्रदान कर लें, इन दोनों ने आयनों का क्या कर लिया? आदान प्रदान कर लिया। कौन से आयन का? क्रोमियम का, कोबाल्ट का। यहां से क्रोमियम चला गया वहां पर और यहां से कोबाल्ट आ गया यहां पर। तो जो क्रोमियम के साथ में अमोनिया था अब कोबाल्ट के साथ में अमोनिया है, जहां कोबाल्ट के साथ में सीएन था अब क्रोमियम के साथ में सीएन था। तो यदि आयनों का स्थानांतरण होता है, वाह वाह, आयनों का स्थानांतरण, इंग्लिश में बोले तो एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब समझते हो ना, आपके पास एक पेन है, सामने वाले के पास दूसरा पेन है, आपने अपना पेन उसको दिया, उसका पेन आपने लिया, इसको कहा जाता है एक्सचेंज। तो यहां जो क्रोमियम के पास था अमोनिया उसने दिया कोबाल्ट को, और जो कोबाल्ट के बाद में था साइनाइड वो उसने दिया क्रोमियम को। मक्खन। तो समन्वयी समावयवता, समन्वय का फर्क होना, यहां पे जो समन्वय था और यहां जो समन्वय था आपस में एक दूसरे ने एक दूसरे का समन्वय बदल लिया और उससे बना समन्वयी समावयवता, इसलिए इसको कहा जाता है, और इसमें होता है आयनों का स्थानांतरण। फटाफट से आप एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ही अपने आप में सब कुछ है, और इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आयनों के मध्य, आयनों के मध्य लिगेंडों का स्थानांतरण, ऐसे भी डेफिनेशन बन सकती है। बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों। ऐसे भी बोल सकते हो कि क्रोमियम वहां गया कोबाल्ट यहां आया, ये भी बोल सकते हो कि NH3 उधर चला गया CN इधर आ गया, है ना। तो लिगेंडों के आदान प्रदान बोलो, चाहे यहाँ पे केंद्रीय परमाणु का आयन प्रदान बोलो या आयनों का स्थानांतरण बोलो, बात एक ही है, बस मिला जुला करके एक ही चीज हो रही है, बोले तो एक्सचेंज। अब कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, एक ही बात है। चाहे तो ये बोल दो कि क्रोमियम कोबाल्ट एक्सचेंज हुए, चाहे ये बोल दो NH3CN एक्सचेंज हुए, बस बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि हाँ भैया दोनों ही केस में जो एक चीज हुई है वो है एक्सचेंज। आ रहा है मजा? तो समावयवता को पढ़ने में बहुत मजा आता है, बस हमें एक अंतर बताओ प्रतियोगिता अखबार में आता है दैनिक भास्कर में,
पत्रिका में जो भी आपके पेपर आता है कि भाई इन दो चित्रों में अंतर बताओ, बस वो वाला गेम है। आपको अंतर समझना है, अंतर के हिसाब से नाम होगा और संभाव्यता अपने आप में मक्खन हो जाएगी। चलिए, तो ये मैंने आपको मुख्य मुख्य संरचना समावयवता के बारे में पढ़ा दिया, चार बताए, चारों याद रखने। अब हम शुरू कर रहे हैं त्रिविम समावयवता, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग त्रिविम समावयवता को शुरू करते हैं। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। अब शुरू करते हैं त्रिविम समावयवता, हेडिंग लिखो। त्रिविम समावयवता का मतलब क्या होता है? त्रिविम समावयवता, त्रिविम का मतलब होता है 3D, स्पेशल अरेंजमेंट इंग्लिश में। मोटी मोटी बात समझो आप, तो जो आपका केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु से संबंधित जो लिगेंड है, आपका जो केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु से संबंधित जो लिगेंड है, वो हवा में, आकाश में किस प्रकार से व्यवस्थित है, उस व्यवस्था में परिवर्तन से जो समावयवी उत्पन्न होंगे उनका नाम होगा त्रिविम समावयवी। फिर से एक बार, आपका जो केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु के आसपास जो लिगेंड है, वो आकाश में, हवा में किस प्रकार से व्यवस्थित है, उस व्यवस्था में जब परिवर्तन होगा, तो उस व्यवस्था में हुए परिवर्तन से जो समावयवी उत्पन्न होंगे उन्हें कहा जाएगा त्रिविम समावयवी। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है ज्यामिति और दूसरा है प्रकाशिकी। देखो, इनके भी दो टाइप्स हैं अपने आप में, ज्यामिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। अभी एक एक करके पढ़ाऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पहली हेडिंग लगाओ, ज्यामिति समावयवता। देखो, ज्यामिति समावयवता में दो फॉर्म्स बेसिकली चलती हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस। आपने सुना होगा कभी ना कभी, समपक्ष सिस और ट्रांस विपक्ष। कुछ नहीं करना होता यार, मस्त रहना होता है। चलो मैं आपको एकदम क्लियर करता हूं दोनों में क्या फर्क है। अगर आप ऐसे डांस करते हो तो वो है समपक्ष, दोनों हाथ पास पास, और अगर आप ऐसे डांस करते हो तो वो है विपक्ष। खत्म। मतलब अगर अणु बिल्कुल पास पास है और फिर डांस कर रहे हैं तो समपक्ष होता है, और अगर दोनों ऐसे अपोजिट हो जाए और फिर डांस करें तो वो क्या होता है? विपक्ष होता है। अब तो हम कर सकते हैं। देखो, इसमें अलग अलग टाइप के साथ से एग्जांपल आएंगे। जैसे मान लो आपके पास पहला एक टाइप आता है, वो टाइप है एम ए टू बी टू प्रकार। अब ये डराते बहुत हैं, ऐसे दिखने में खतरनाक लगते हैं लोगों को, लगता है पता नहीं किस बम का नाम है एम ए टू बी टू। बहुत सिंपल है भैया, एग्जांपल देखो, प्लेटिनम सीएल टू एनएच थ्री टू येल्लो, खत्म। एम ए टू बी टू प्रकार का मतलब समझ में आया आपको? एम का मतलब है मेटल, प्लेटिनम। ए का मतलब है एक लिगेंड, एक जैसे लिगेंड दो है सीएल टू, दूसरे टाइप का लिगेंड बी एनएच थ्री कितना है? दो है। तो टाइप हो गया एम ए टू बी टू। अब मैंने क्या बताया था, अगर ऐसे डांस होगा तो सिस और ऐसे होगा तो ट्रांस। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो प्लेटिनम बीच में रहेगा, उसके चारों तरफ, एक सेकंड, उसके चारों तरफ आपको चार लोगों की व्यवस्था करनी है जो आकर के उसके प्यार मोहब्बत करेंगे। कौन है? दो क्लोरीन दो एनएच थ्री। अब होता क्या है, इधर से क्लोरीन आता है, दूसरा क्लोरीन भी इधर से आता है, पास 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 आके डांस करते हैं। इधर से NH3 आता है और दूसरा NH3 भी उधर से आ जाता है, पास पास आके दोनों NH3 डांस करते हैं। तो यहां दोनों NH3 साथ साथ है, यहां भी दोनों Cl साथ साथ है, तो ये कहलाएगा सिस समपक्ष। और अगर ऐसा हो जाए कि बीच में प्लेटिनम एक सीएल इधर से आया, दूसरा सीएल इधर से आ रहा है, आमने सामने, समावयवता वो टॉपिक है जो पढ़ने से समझ में नहीं आता, डेफिनेशन समझ में नहीं आता, एग्जांपल से आता है कि दोनों सीएल पास पास हैं तो ये हो गया आपका सिस, दोनों सीएल आमने सामने हो गए तो ये हो गया आपका ट्रांस। इधर से भी देखो तो दोनों एनएच थ्री अब आमने सामने हो जाएंगे, तो दोनों एनएच थ्री आमने सामने हो गए तो ये आपका हो गया ट्रांस और टॉपिक हो गया खलास।
तो अगर एम ए टू बी टू प्रकार के हिसाब से चलना चाहें तो जनरल फॉर्म में लिखें तो एम दोनों ए पास पास होने चाहिए, दोनों बी पास पास होने चाहिए, किसके लिए, सिस फॉर्म के लिए। और अगर इसी का ट्रांस बनाना हो तो दोनों ए अपोजिट डायरेक्शन में कर देना, दोनों बी अपोजिट डायरेक्शन में कर देना। कितना आसान चीज है समावयवता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिस्टमेटिक पैटर्न में समझना होता है। सेकंड देखते हैं, अब देखते हैं एम ए टू बी सी टाइप। इस टाइप का क्या मतलब है, जब तक एग्जांपल नहीं लिखूंगा समझ में ही नहीं आएगा। एग्जांपल लिखता हूं, कोबाल्ट से एक सीएल जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट से एक एनओ टू जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट से एक सीएल जुड़ा हुआ है, वापस से लिख लेते हैं ठीक से एक बार, कोबाल्ट से एक सीएल जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट से एक एनओ टू जुड़ा हुआ है और कोबाल्ट से दो एनएच थ्री जुड़े हुए हैं और इस पे चार्ज है प्लस। तो बात यह आती है कि किस प्रकार से इनका समावयवता समझा जाए सिस और ट्रांस में। देखो एक बात को समझो, यहां पे ये टाइप क्यों आ रहा है, एम कोबाल्ट के लिए, बी एक अपने आप में अलग लिगेंड है जो केवल एक ही है, सी ये एक अलग लिगेंड है एनओ टू जो अपने आप में एक ही है, परंतु एक लिगेंड ऐसा होगा जो दो होगा गिनती में जैसे आपका एनएच थ्री। तो इस प्रकार के टाइप को कहा जाता है एम ए टू बी सी टाइप। अब एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है आपको दिल लगा करके, वो ये है कि इसमें ऐसे कौन से लिगेंड हैं जो सेम है, कौन सा लिगेंड है सेम बताओ मुझे, ध्यान दो, ध्यान देते ही आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर NH3 सेम है। तो बस NH3 को ध्यान में रख के आपको काम करना है। कैसे समझना, कितने लोग हैं, दो तीन चार, तो कोबाल्ट बीच में एक बंदा आएगा, दूसरा बंदा आएगा, तीसरा बंदा आएगा, चौथा बंदा आएगा, दूसरे वाले में भी कोबाल्ट है एक बंदा आएगा, दूसरा बंदा आएगा, तीसरा बंदा आएगा, चौथा बंदा आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अभी क्या कहा, किस पे ध्यान देके करने वाले हो, NH3 पर ध्यान देके करने वाले, क्योंकि वो दो है गिनती में। तो अगर दोनों NH3 ऐसे डांस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे डांस करते ही समपक्ष और ऐसे डांस करते ही विपक्ष, मतलब दो NH3 को आपको पास पास लगाना है। अब पास पास लगाने में बहुत ऑप्शन है आपके पास, दोनों NH3 को ऐसे लगा दो पास पास, 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 पास पास का ऐड भी हो रहा है। यहां पे देखा जाए, आप चाहते तो दो सील ऐसे लगाए आपने, यूं भी लगा सकते थे, यूं भी लगा सकते थे, यूं भी लगा सकते थे, हमें केवल एक ही बात से मतलब है कि दोनों हाथ साथ साथ चलने चाहिए, भले यूं नाचो भले यूं नाचो कोई फर्क नहीं है, दोनों हाथ साथ में होने चाहिए। तो ऐसा करते हैं दोनों NH3 साथ में लगा देते हैं इस तरह से, हो गया सेस। बाकी दोनों फर्जी हैं, सीएल एनओ टू अलग अलग है, हमें क्या मतलब कहीं भी रहे, वी डोंट केयर, हमें केवल एक ही से मतलब है NH3 से। कौन सी फॉर्म बन गई है, सिस। इन्हीं NH3 को आमने सामने कर दो आप, इन्हीं NH3 को ऐसे डांस करा दो, हो गया। बाकी सीएल भाड़ में जाए एनओ टू भाड़ में जाए हमको क्या मतलब, दोनों NH3 अपोजिट हो गए, मतलब कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांसफॉर्म बन गई। इस तरह से अगर एम ए टू बी सी टाइप हो तो आप इस तरह से दिमाग लगाएंगे, बताइए मजा आ गया आपको। तो ये होता है आपका ज्यामिति समावयवता, दोनों प्रकार से मैंने आपको समझाया। और अभी तक वो एग्जाम्पल आ रहे थे जिसमें धातु परमाणु के आसपास चार लोग थे, अब मैं वो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं जब धातु परमाणु के आसपास छह लोग होंगे। देखो अब अपन लेने जा रहे हैं एम ए फोर बी टू टाइप, लगाओ एडिंग, कौन सा लेने जा रहे हैं अपन, एम ए फोर बी टू टाइप, एम ए फोर बी टू टाइप, एम ए फोर बी टू टाइप। बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, बिना एग्जाम्पल के तो मजा ही नहीं रहा इस टॉपिक में, तो एग्जाम्पल सबसे पहले बनते हैं, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के क्लियर ही नहीं होगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको, कोबाल्ट है। और हाँ एक और बात, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो कभी नहीं करनी है, इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है प्लस, तो जब इनका समावयवता बना लो तो ऐसे दो डब्बे खींच के प्लस लिख देना, जब समावयवता बना लो तो दोनों डब्बे खींच के ऐसे प्लस लिख देना, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज प्लस है, वो दिखाना बहुत जरूरी है। इधर देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, कोबाल्ट का देते हैं, सीओ एनएच थ्री चार है और दो सीएल है, ये एग्जाम्पल है, और इनके ऊपर आवेश कितना है, प्लस है। अब कोबाल्ट के चारों तरफ कितने लोग हैं ये समझो,
कोबाल्ट के चारों तरफ कितने लोग हैं ये समझो। कोबाल्ट के चारों तरफ छह लोग हैं, चार प्लस दो छह। तो कोबाल्ट अष्टफलकीय संरचना बनेगी, अर्थात एक यहां से पधारेगा, एक यहां से पधारेगा, एक यहां से पधारेगा, एक यहां से पधारेगा, एक महाशय ऊपर से पधारेंगे और एक महाशय नीचे से पधारेंगे। इसको बोलते हैं अष्टफलकीय संरचना, पहले लेक्चर में समझा दिया था। दूसरा वाला जो संरचना बनाएंगे अपन, उसमें भी एक महोदय बनाओ ऐसे, एक महोदय यहां से पधारेंगे, एक यहां से आएंगे, एक यहां से आएंगे, एक यहां से आएंगे, एक हमारे जनाब ऊपर से आएंगे और एक हमारे जनाब नीचे से आएंगे। मतलब इसको अष्टफलकीय बोलते हैं। अष्टफलकीय में ऐसे होता है, एक यहां से आ रहा 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 है, बंदा बीच में बैठा हुआ है। चार लोग तो ये हो गए, चार लोग तो यहीं से आ गए, एक दो तीन चार। अब एक ऊपर से आ रहा है पांच, एक नीचे से आ रहा है छह, समझ गए। अब बात यह है कि इसमें वो बंदा कौन है जो सेम सेम है और दो है सीएल। जैसे यहां पे दो सेम सेम बंदों को पास में डांस करवा के अपन ने सिस बना लिया था, और उन सेम सेम बंदों को अपोजिट करके हमने ट्रांस बना लिया था और बाकी सबको भाड़ में जाने दिया। बिल्कुल वैसे यहां पे होता है, आप चार वाले को भाड़ में जान दो बट केवल सीएल पे ध्यान दो। दो सीएल है, उन दोनों सीएल को पास पास डांस करवा दो, सिस हो जाएगा, और उन दोनों सीएल को ऐसे अपोजिट डांस करवा दो, ट्रांस हो जाएगा। तो मतलब आप कहीं भी एक सीएल यहां पे, एक सीएल यहां पे, हो गया सिस फॉर्म, खत्म, एंजॉय योरसेल्फ। इधर एक सीएल को रखो ऊपर, एक को रखो नीचे। तो एक अगर ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे, मतलब ये वाला डांस हो रहा है। और इसके हिसाब से ये फॉर्म कौन सी बन जाएगी, ट्रांस फॉर्म बन जाएगी। अब बचे कुचे को लगा दो, कौन है NH3 बाढ़ में जाए, हमको क्या मतलब, कहीं भी लगा दो, यहां 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 लगा दो। मतलब आपको समझना है, अगर दोनों सेम सेम दो बार है तो दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ, दोनों अपोजिट, दोनों अपोजिट। अगर इस तरह का पैटर्न है तो जो दो लोग हैं उन पर ध्यान दो, उन दोनों को पास पास रखो सिस, उन दोनों को अपोजिट रखो ट्रांस। यहां पे भी ये दो लोग सेम है तो इन दोनों को पास पास रखो सिस, इन दोनों को बिल्कुल अपोजिट कर दो ट्रांस। इसमें बहुत वैरायटी मिल सकती थी आपको, दोनों सीएल को आप यहां की जगह यहां रख लो, है ना, यहां की जगह यहां भी रख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दोनों सीएल जो है वो क्या होने चाहिए, दोनों सीएल जो पास पास होने चाहिए किसमें, सिस फॉर्म में, और दोनों सीएल अलग अलग होने चाहिए ट्रांस फॉर्म में। बट उसी बंदे को अलग अलग करना, उसी बंदे को पास पास रखना जो गिनती में कितना हो, दो। मतलब आपको किस पे ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है। और ये पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको, एम का मतलब कोबाल्ट, ए का मतलब एक लिगेंड है जो चार है, और बी का मतलब एक लिगेंड है जो दो है। देखो कितना सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया जा रहा है, कितना सिस्टमैटिक टॉपिक है। अब चौथा वाला लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला करवाता हूं मैं। वीडियो मानता हूँ थोड़ा लंबा बन रहा है, बट इसके बाद में समावयवता मक्खन हो जाएगी, और इसकी थ्योरी के लिए आपको नीचे एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, वहां पे इसकी प्रॉपर थ्योरी आप परचेज कर सकते हो, उसके बाद टेंशन खत्म। चलो अब देखते हैं अगला प्रकार इस तरह का। और हाँ एक और बात, मैंने अपनी गलती कर दी, भूल गया मैं, क्या भूल गया मैं बताओ, प्लस था ना, तो ऐसे कर करके प्लस लगाना है, ऐसे कर करके प्लस लगाना है, ये भूल गए ना तो अंडा मिलेगा एग्जाम में, काट देगा टीचर। चलो जी अगला टाइप देखते हैं, MA3B3। अब दुविधा हो गई भैया, तीन तीन सेम आएंगे बंदे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है कोबाल्ट के साथ तीन NH3 और तीन ही सीएल। अब फंस गए अपन, जब दो होते थे तो दो को साथ में डांस करवा देते थे, काम खत्म, दो को अपोजिट डांस करवा देते थे, काम खत्म। बट अब तो तीन लोग हैं, तीन लोग में अलग दिमाग चलता है। एक बनता है फेस कैटेगरी, फेशियल कैटेगरी, और एक बनती मेरिडियन मर कैटेगरी। तो अब यहां से दो चीज निकल के आएगी, एक तो फेस और एक मर, ध्यान से समझना पड़ेगा। सुनो मैं पहले स्थिति बताता हूं आपको, यह अष्टफल की होती है, एक यहां से आ सकता 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 है, एक ऊपर से आ सकता है, एक नीचे से आ सकता है। एक यहां से आ सकता है,
एक यहां से आ सकता है, एक यहां से आ सकता है, एक यहां से आ सकता है, एक जनाब ऊपर से पधार सकते हैं, एक नीचे से आ सकते हैं। अब समझो, इन भाई साहब के सबसे पास में कौन है? समझना ध्यान से, बहुत फोकस करना है आपको। एक ही चीज कहना चाहूंगा आपको, फोकस ध्यान दो। इसके जस्ट पास में कौन है? ये है। इसके जस्ट पास में कौन है? ये है या ये है? अगर तुम यहां से चल के यहां जाओगे या यहां चल के यहां जाओगे, तो इसके जस्ट पास में ये है, इसके जस्ट पास में ये है। तो अगर पास पास वाली लोकेशन पे तीनों बंदे हैं तो फेस कहलाता है, और एक होता है मेरेडियन। मेरेडियन समझते हो? ये जो लाइन ऐसे बीच में जा रही है ना, ये वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तामझाम को लेकर समझाऊं, तो यहां से ये जो लाइन जा रही है ना, मेरेडियन है, तो इस मेरेडियन के आसपास होने चाहिए। मतलब यहां पे, यहां पे, यहां नहीं, यहां पे, तो वो क्या कहलाता है? मर कहलाता है। अब जो बंदा इस बात को समझ गया, उसको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। जिसको समझ में नहीं आया, वो जिंदगी भर दुख पाता है। देखो, फेशियल और मर को समझने का बहुत सस्ता तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यहां से शुरू करो, इस बंदे के जस्ट पास में कौन है? ये वाला बंदा। इसके जस्ट पास में ये है। इस लोकेशन के ऊपर तीन लोग कोई से भी जोड़ देना, फेस हो जाएगा। मर का मतलब होता है मेरेडियन, जो यहां से गुजर रही है। इस मेरेडियन के आसपास, यहां पे, यहां पे और यहां पे, यहां नहीं होना चाहिए। कौन? सेम बंदा। जैसे यहां आपने अगर एनएच3 रखा, तो अगला एनएच3 यहां पर, अगला एनएच3 यहां पर, तो वो मर फॉर्म में जाएगा। मान लो यहां पे आपने एनएच3 रखा, तो एक एनएच3 यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा एनएच3 यहां पर, तो वो फेस में जाएगा। मान लो आप एनएच3 को लेके नहीं चल रहे हो, सीएल को लेके चल रहे हो, तो एक सीएल यहां पे, दूसरा सीएल यहां पे, तीसरा सीएल यहां पे, फेस में जाएगा। एक सीएल यहां पर, एक सीएल यहां पे, एक सीएल यहां पे, मर में जाएगा। आगे बात समझ में, कर देते हैं कंप्लीट। तो इन तीन जगह पे सेम लोग रखने। मान लो मैं एनएच3 को ले रहा हूं, तो एनएच3, 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 बाकी सीएल यहां। क्या करूंगा मैं, तीनों एनएच3 को ऐसे रखूंगा, बाकी सीएल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये आपकी कहलाएगी फेस फॉर्म, और ये आपकी कहलाएगी मर फॉर्म। यही समझना था बच्चों। जो ये समझ गया वो खुश रहेगा, जो नहीं समझा वो थोड़ा सा परेशान रहेगा। हम नहीं चाहते कोई परेशान हो जिंदगी में, इसलिए फिर से आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अष्टफल की है, इसलिए आठ लोग, सॉरी छह लोग आएंगे। एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा। इसमें भी छह लोग आएंगे, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा। जस्ट पास पास वाली जगह पे जुड़ा हो तो फेस होता है। पास पास वाली जगह कौन सी होती है? अगर ये है, इसके जस्ट पास में ये है, इसके जस्ट पास में ये है, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये फेस में जाएगा। और मेरेडियन कौन सी होती है? ये मेरेडियन है, मान लेते हैं। तो इसके आसपास, इस पर, इस पर, इस पर, ये आपके मर में जाएगा। बस ये नोट करके रख लो, मजा आ जाएगा। हो गया टॉपिक कंप्लीट, फटाफट से फोटो खींचो। त्रिविम समायोजन में पहला हो गया ज्योमिति, दूसरा है प्रकाशिकी। प्रकाशिक बहुत आसान है, उसमें केवल हमको मिरर इमेज बनानी है और मस्त रहना है। पहले फटाफट छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रकार समझते हैं दोस्तों, प्रकाशिक समावयवता। समावयवता एक बहुत बड़ा और बहुत विशाल टॉपिक है, और इस टॉपिक के लिए कई सारे वीडियोस बनेंगे, तब जाके टॉपिक समझ में आता है। इलेवेंथ क्लास के भी कई सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को अभी ऐसे पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में आपके एक भी नंबर नहीं कटे, आपको समझ में भी आ जाए, थोड़े छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से। फिर आगे समय मिलेगा तो नीट और आईआईटी की तैयारी करवाऊंगा, तब और बहुत डीप में जाके पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप अभी केवल इतना समझो कि प्रकाशिक समावयवता का मतलब ये होता है कि वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं जो ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का काम करते हैं। अब दिमाग में एक सवाल आएगा, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? तो जब तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी दो होती है, किरण और तरंग दो होती है, तो तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है ध्रुवण। मेरे वीडियोस आ चुके होंगे उस पर या आ रहे होंगे, जब तक ये अपलोड होगा,
तो वहां पे जाकर के आप ध्रुवण को समझ सकते हो। फिलहाल आप ये याद रखो कि प्रकाश जो होता है वो जब ध्रुवित हो जाता है तो ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता के आधार पर प्रकाशिक समावयवी बनते हैं। ये परिभाषा तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप ध्रुवणता वाला टॉपिक नहीं देखोगे, बट क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री में मेरा काम यह है कि आपको प्रकाशिक समावयवी बनाना आ जाए, तो मैं अभी आपको प्रकाशिक समावयवी बनाना सिखा रहा हूं, और जब वहां ध्रुवणता पढ़ाऊंगा तो उसको लिंक कर दूंगा इस तरह से कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रकाशिक समावयवी बनाने के लिए अब बनाना सीखो। परिभाषा समझ में नहीं आई मैं मानता हूं, क्योंकि परिभाषा समझने के लिए आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, तो वहां तो थोड़ा वेट करो, बट प्रकाशिक समावयवी कैसे बनाते हैं उसके लिए समझो आपको मिरर इमेज बनानी है। और मिरर इमेज कैसे बनाते हैं वो सुनो। जैसे मान लो यहां पे आपने एक मिरर रख दिया, मिरर में यहां 1, 2, 3, 4 फॉर एग्जांपल, मिरर में जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊं, तो मेरा सिर ऊपर ही रहेगा, पांव नीचे रहेंगे, पर मेरा सीधा हाथ दर्पण में हो जाएगा उल्टा हाथ, और मेरा उल्टा हाथ दर्पण में हो जाएगा सीधा हाथ। कहने का तात्पर्य दर्पण में 1 और 2 की स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा, बट 3 और 4 की स्थिति बदल जाएगी, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 4। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दर्पण में दायां बन जाता है बायां और बायां बन जाता है दायां, ऊपर और नीचे में कोई फर्क नहीं आता। अगर ये बात समझ में आती है तो फिर आप मिरर इमेज आराम से बना लोगे। बना के दिखाता हूं। मान लो आपको कहा जाए कि कोबाल्ट EN3+ का प्रकाशिक समावयवी बना के दिखाओ। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। कैसे? अभी तो आपको ये समझाना पड़ेगा EN क्या चीज है। EN क्या होता है सुनो, इथाइलीन डायमीन। इथाइलीन डायमीन मतलब ये चीज, CH2NH2, ये चीज, इसको बोलते हैं इथाइलीन डायमीन। एक इथाइलीन डाई अमीन, ये जो एक चीज है EN, इस पूरे को EN कहते हैं, ये कितने बंद बना सकता है? एक NH3 एक बंद, दूसरा NH3 एक और बंद, तो ये दो NH2 दो बंद एक साथ बना सकते हैं। मतलब अगर यहां पे लिखा हुआ है ना EN 3 है, तो वास्तव में बंद कितने हैं? बंद 6 हैं, क्योंकि एक EN होता है इथाइलीन डायमीन, ये वाला बंदा, और इस बंदे में एक NH2 बंद बना सकता है उपसहसंयोजी बंद, दूसरा भी उपसहसंयोजी बंद बना सकता है, तो इन दोनों ने जो उपसहसंयोजी बंद बनाए वो एक ने दो बनाए, तो यहां पे कितने हैं? 3। 3 कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। पहले तो इस बात को समझो। अब आगे देखो, 6 बंद के लिए आप कौन सी व्यवस्था करते हो? 6 बंद के लिए पूरी दुनिया जानती है कि अष्टफलकीय व्यवस्था की जाती है। तो मेरे साथ साथ बनाओ दोस्तों, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, एक जनाब ऊपर से आएंगे और एक जनाब नीचे से आएंगे। 6 हो गए 6। अब देखो कितने EN है आपके पास? 3 है। ऐसे कितने बंदे हैं? 3 है। एक बंदा कितने बंद बना सकता है? 2। 3 कितने बनाएंगे? 6। इतने बड़े बड़े को अगर मैं बार 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 बनाऊंगा ना, तो यहां पे बन जाएगी खिचड़ी, और वो खिचड़ी देख के आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए इस पूरे को हटा करके पता है क्या लिख देते हैं? EN लिख देते हैं। और हमको पता है कि ये EN कितने बंद बनाने वाला है? 2। इसलिए इसमें से 2 ऐसे एरो निकाल देते हैं, जहां भी ये बंद बना रहा होता है वहां पे जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? वापस समझो, जल्दी तो है नहीं अपन को, टॉपिक समझना है। EN का मतलब होता है इथाइलीन डायमीन। तो जो आपका इथाइलीन डायमीन है वो ये है, ये बंदा एक साथ 2 बंद बना सकता है। अगर इसको ऐसे कैसा बार बार बनाने जाऊंगा तो यहां पे बनेगी खिचड़ी, जिसको देख के आपको गुस्सा आएगा। आप गुस्सा नहीं करो, इसलिए अपन ने इसको लिख दिया EN। बस ये समझ लेना कि EN 2 बंद बनाएगा। चलो जी बनाते हैं। एक EN को मैंने यहां रखा। EN कितने बंद बना सकता है? 2। मैं बोल रहा हूं EN, आप सोचो, ये मजा आएगा। EN ने बनाया एक बंद ऐसे, एंटर है, कोबाल्ट को दे रहा है ये वाला, दूसरा EN ऐसे दे रहा है, जा भैया, ऐसे ही ये दोनों हो गए पूरे। इन दोनों के लिए एक EN रख दिया अपन ने, एक NH2 ऐसे दे रहा है लॉजी, दूसरा NH2 ऐसे दे रहा है लॉजी, यहां पे एक EN रख दिया,
एक NH2 दे रहा है ऐसे लॉजी, दूसरा NH2 दे रहा है ऐसे लॉजी, हो गया जी, कोबाल्ट के बन गए 6 बंद जी, सिंपल ऐसे करना है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कितना आसान था, वापस समझ लो, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कोई कमी रहे, क्योंकि पहली बात तो ये टॉपिक ऐसा है प्राकृतिक समावयवता, समझ में नहीं आया होगा आपके परिभाषा में, ऊपर से अगर ये भी नहीं आएगा तो एग्जाम में क्या करोगे। कोबाल्ट जो है 6 लोग आकर के उसको देने वाले हैं, तो पहले 6 लोगों की व्यवस्था करो, कर दी व्यवस्था, एक ईएन जो है वो 2 बंद बनाता है, 3 ईएन बनाएगा 6 बंद, तो एक ईएन को आपने यहां रख दिया पहला बंद दूसरा बंद, दूसरा ईएन यहां रख दिया पहला बंद दूसरा बंद, एक ईएन यहां रख दिया पहला बंद दूसरा बंद, हो गया। बस बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, कि जब मैं बना रहा हूं तो आप भी कॉपी में बना रहे होंगे, तभी आएगा मजा। अब इसकी बनानी है आपको मिरर इमेज, जैसे ही आप इसकी मिरर इमेज बना दोगे, मिरर इमेज बनाते ही इसका प्रकाशिक समावयवी अपने आप बन जाएगा। अब मिरर इमेज बनाने के लिए आपको इस बात को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा, दायां बन जाएगा बायां और बायां बन जाएगा दायां, ठीक है। शुरू करते हैं, मैं ट्रिक से बताऊंगा, सुनना। पहले खोखा बना लो, कोबाल्ट एक बंदा यहां से आएगा, 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 एक ऊपर से पधारेगा, एक नीचे से पधारेगा, लो जी। अब जैसा कि मैंने कहा कि दाएं का करना है बायां और बाएं का करना है दायां, तो दाएं में कौन है, ईएन है, ये दायां बायां हो जाएगा, मतलब जो ईएन इधर है वो ईएन इधर आ जाएगा, ऐसे जो ईएन लेफ्ट में ये वाला ये आ जाएगा राइट में, इधर जो ये ईएन लेफ्ट में है ये आ जाएगा राइट में इधर। पहले तो इतना किया आपने, इतना समझ में आया आपके, कि पहले खोखा बना लो, खोखा बनाने के बाद जो राइट में है, क्योंकि आपको पता है इधर 3 राइट में था, 3 लेफ्ट में हो गया है, 4 लेफ्ट में था, 4 राइट में आ गया है, तो इसके राइट में जो है उसको लेफ्ट में लेके आना है, तो राइट में ईएन उसको मैंने लेफ्ट में लिख दिया, इधर ऊपर है ईएन उसको उस तरफ लिख दिया, इधर ईएन है उसको उस तरफ लिख दिया। अब तो बस बंद बनाने, एक ईएन 2 बंद बनाता है, एक ईएन 2 बंद बनाता है, एक ईएन 2 बंद बनाता है, देखो जी आया मजा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये उठ के इधर आ गया और ये दोनों उठ के उधर चले गए, और बीच में कोबाल्ट है, यहां भी बीच में कोबाल्ट है, आप ध्यान से समझोगे तो इस लाइन के उधर जो था अब वो चीज उधर है, और इस लाइन के इधर जो था उसमें वो चीज उधर है, ये बन गया इधर, ये बन गया उधर, ये दोनों एक दूसरे कहलाएंगे प्रकाशिक समावयवी, हो गया जी। और इसको डी कहते हैं, इसको एल कहते हैं। अब ये डी और एल क्या है, ये तो आपको तरंग प्रकाशिकी में ही पढ़ने को मिलेगा, यहां अपन को केवल और केवल प्रकाशिक समावयवी बनाना सीखना है, केवल और केवल मिरर इमेज बनानी है। अगर हम मिरर इमेज बना लेंगे तो हम प्रकाशिक समावयवी बनाना सीख जाएंगे। चलो बहुत खुशी हुई देख करके। और इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, एम ए ए 3 ऐसे लिखा जाएगा, क्यों, एम कोबाल्ट, यहां 2 ए पता है क्यों लिखे हुए हैं, पहली बात तो सेम सेम है, NH2 दोनों NH2 दे रहे हैं, और एक बंदे में 2 दे रहे हैं, एक बंदे में 2 दे रहे हैं, तो EN के अंदर 2 NH2 है देने के लिए, तो इसको A, तो इसको भी A, 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 और ऐसे 3 है, ऐसे 3 है, तो ये वाला टाइप हो गया। यहां तक फोटो खींचो, वीडियो को रोक करके खुद से बनाओ, फिर मैं एक और बना के दिखाता हूं प्रकाशिक संभाव्य भी, फिर टॉपिक को कहते हैं टाटा बाय बाय। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। अब प्रकाशिक समावयवता में अपन दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप आपके आंखों के सामने है, ये रहा एम ए ए 2 बी 2 टाइप। अब आप बोलोगे सर ये क्या आफत है, एम बोले तो कोबाल्ट, ए ए ऐसे बंदे होने चाहिए जिसके अंदर 2 लिगेंड और सेम हो, जैसे इथाइलिन डायमीन में NH2 देने वाला, NH2 देने वाला, इसको क्या बोलते हैं, ईएन कहते हैं, तो ईएन है कितने हैं, 2 है, ये मतलब हो गया डबल ए 2 का। B2 कोई और लिगेंड है जैसे Cl हो सकता है, तो ये अपने आप में जो है ये अपने आप में आपका कहलाएगा एक, ये अपने आप में कहलाएगा एक
एग्जाम्पल टाइप, पहले वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से, उसको ठीक कर लेना खुद से ही, बहुत छोटी सी बात है। कोबाल्ट EN3 था ना, इस पूरे के ऊपर 3 प्लस था, तो पूरे के ऊपर 3 प्लस है, मैंने नहीं बनाया तो बना लेना। दूसरा, वो जो स्ट्रक्चर हमने बनाए थे उन सब में ऐसे करके 3 प्लस लिख देना, ऐसे करके 3 प्लस लिख देना। जो बार बार वीडियो में हम भूल जा रहे हैं वो मैंने मिटा दिया, तो मैं उसमें एडिट कर नहीं पाया, आप लोग कर लेना ठीक है याद से। चलो कोई बात नहीं, समझदार बच्ची हो कर लोगे इतना तो, यकीन है मुझे। मैं आपको बनाना सिखाता हूँ मिरर इमेज। कोबाल्ट कितने बंद बनाएगा? एक ईएन बनाता है दो बंद, टेन टेन, दो कितने बनाएंगे? चार। एक सीएल बनाता है एक, दो बनाएंगे दो, तो चार प्लस दो कितना हो गया? छह। तो छह के लिए कैसा अरेंजमेंट होता है? बीच में हमारे कोबाल्ट भाई साहब रहेंगे, छह लोगों के आने का इंतजाम किया जाए, एक यहां से पधारेगा, एक यहां से पधारेगा, एक यहां से पधारेगा, एक यहां से पधारेगा, एक जनाब ऊपर से आएंगे, एक जनाब नीचे से आएंगे। शुरू करते हैं बनाना। कितने ईएन भैया? दो ईएन है, एक ईएन को यहां लगा दो, एक ईएन को यहां लगा दो। अब एक काम करो ध्यान से, अब ये जो ईएन है दो बनाएगा, तो ईएन को, एक ईएन को यहां लगा दो, एक ईएन को यहां लगा दो, तो ये दोनों बंद ये संभाल लेगा, ये दोनों बंद ये संभाल लेगा, बाकी कौन बचा? सीएल। एक सीएल को यहां लगा दो, एक सीएल को यहां लगा दो। अब समझो, इसने बनाने दो बंद, एक बंद दूसरा बंद, इसने बनाने दो बंद, एक बंद दूसरा बंद, हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको बनाना है इनका मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाने के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले खोखा बना लो, तो पहले खोखा बना लेते हैं। कोबाल्ट टक 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 टक, एक यहां से पधारेंगे, एक यहां से पधारेंगे, एक यहां से पधारेंगे, एक यहां से पधारेंगे, एक ऊपर से पधारेंगे, एक नीचे से पधारेंगे। अब क्या करना है समझो, जो राइट में है उसको लेफ्ट में डाल दो, जो लेफ्ट में है उसको राइट में डाल दो। तो लेफ्ट में दो सीएल है, आप इसके राइट में दो सीएल कर दो, टनक टनक। यहां राइट में दो ईएन है, आप इसके लेफ्ट में दो ईएन कर दो, सही है। अब पूरा कर दो, पहले समझो, मजाक नहीं है, समझ में आ रहा है ना कि राइट में दो ईएन थे, मैंने इसके लेफ्ट में दो ईएन कर दिए, इसके लेफ्ट में दो सीएल थे, मैंने उसके राइट में दो सीएल कर दिए। अब बस बंद बना दो, बस बंद बना दो, हो गया जी। देखो इसके राइट वाला इसका लेफ्ट बन गया, इसका लेफ्ट वाला इसका राइट बन गया, हो गई कंप्लीट मिरर इमेज। ये डी समावयवी, ये एल समावयवी, फोटो खींच लो, काम खत्म। अब एक और टाइप देखते हैं ताकि एक बार और मिरर इमेज की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो आप खुद से कर ही लोगे। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, मिटा दूंगा मैं फिर। चलो थर्ड टाइप देखो, एम ए ए बी टू सी टू। इस वाले टाइप की बात करेंगे, एग्जाम्पल देते हैं आपको। एम की जगह कोबाल्ट, ए ए एक ऐसा बंदा चाहिए जिसमें दो लिगेंड हो देने के लिए, जैसे इथाइलिन डायमीन, बट ये बंदा एक ही है। बी टू एनएससी ले लो दो, सी अलग ले लो, सीएल टू ले लो, हो गया। अब मैं फिर से भूल गया पुराने वाले पे ऐसे डब्बा करके चार्ज दिखाना, हर बार भूल रहा हूं मैं, बट आप अच्छे बच्चे हो तो आप खुद लगा लेना ऐसे डब्बा लगा के प्लस, इस बार नहीं भूलेंगे, याद दिला देना मेरे को ठीक है। चलो जी इसकी बात करते हैं। अब एक काम करो, पहले खाका बना लो, कितने लोग हैं? ईएन बनाता है अकेला दो बंद, एनएसटी दो है दो बंद बनाएंगे, सीएल दो है दो बंद बनाएंगे, बोले तो छह, छह के हिसाब से खाका बनाओ। तो ये रहे हमारे कोबाल्ट भाई साहब, छह लोग आने वाले हैं, तो छह लोगों के आने की तैयारी की जाए। एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा। अब थोड़ा सा आलस आ रहा है ना, तो दोनों साथ में बना लेते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए हो ना, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक आएगा ऊपर से, एक आएगा नीचे से। चलो जी। और हाँ, मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ ना प्लस लगाना, तो पहले ही ऐसे करके प्लस लगा देता हूँ, पहले ही ऐसे करके प्लस लगा देता हूँ ताकि इस बार नहीं भूल जाऊं, और इसको मिटा देता हूँ।
चलो जी देखो जी मजे लो जी, समझना जी। EN जो है दो बंद बनाता है, तो EN को यहां रख देते हैं, दो NH3 है पास पास रख दो इधर, दो Cl है पास पास रख, ठीक है। एक N दो बंद बनाता है, एक बंद खड़ाक एक बंद खड़ाक, तैयार हो गया। बीच में लगाओ दर्पण, दर्पण बोले तो मिरर, और बनाओ इमेज। अब तो सीख गए होगे ना, राइट का लेफ्ट करना है, लेफ्ट का राइट करना है, तो राइट, हाँ जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। ऊपर कौन है? NH3, तो NH3 ऊपर ही रहेगा। वन वन की जगह रहता है, टू टू की जगह रहता है, बस ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, लेफ्ट बन जाएगा राइट, राइट बन जाएगा लेफ्ट, और EN चला जाएगा उस तरफ। और अब EN ने दो बंद बनाए, टेंटन है ये लो, और ये आपका कंप्लीट हो जाता है प्रकाशिक समावयवी। इसको बोलो डी, इसको बोलो एल। तो आई होप अब आप मिरर इमेज को ढंग से बनाना सीख गए होंगे, कि जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, राइट बन जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट बन जाएगा राइट। इसी को बोलते हैं मिरर इमेज, और उसको बनाते ही प्रकाशिक समावयवी बन के तैयार हो जाते हैं। और इन इन दर्पण, इन मिरर इमेजेस की एक खास बात होती है, पता है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा वैसे तरंग प्रकाशिकी में, कि ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। कहने का क्या मतलब है समझना, जैसे मान लो आपके पास एक सर्किल है, तो सर्किल का कैसा बनेगा मिरर इमेज, सर्किल बनेगी। इस सर्किल को उठा करके यहां पर रख दो, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज, अध्यारोपित। जबकि मान लो ऐसा हो, ये लेटर एल है, इस लेटर एल की मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे। अब इसको उठा करके इसके ऊपर रखो, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे ध्यान रखना, प्रकाशिक समावयवी कभी भी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। आप दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको उठा करके ऐसे इसके ऊपर रखूं, अगर मैं इसको उठा करके ऐसे इसके ऊपर रखूं, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज अध्यारोपित नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही इसको उठा करके ऐसे, कैसा ऐसे मत कर देना कि इसको उठा करके यूं रख दो, नहीं, इसको ऐसे का ऐसा उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। EN राइट में रहेगा, ऐसे उठा के लाओगे तो EN राइट में रहेगा, इसका EN लेफ्ट में, ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मेरा ये एक हाथ है, तो इस हाथ का मिरर इमेज, बीच में अगर मैं दर्पण रख दूं, तो इस हाथ की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। अब अगर मैं इस मिरर इमेज को उठा करके ऐसे लेके आऊं, तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहा है, मतलब ये अध्यारोपित नहीं होने वाली मिरर इमेज है। ऐसा मत करना कि ये रहा मेरा हाथ और ये ऐसे कर दो, दिस इज नॉट राइट। सही तरीका क्या है, ये आपका हाथ है, इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगी, अब मिरर इमेज को उठा करके ऐसे लेके आओ, अध्यारोपित नहीं हो रही है, इसका मतलब प्रकाशिक समावयवी बन सकता है। कभी भी प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के ऊपर ऐसे अध्यारोपित नहीं होते हैं, याद रखना। जबकि इस सर्किल को उठा करके ऐसे लाओ, ये हो जाता है, तो ये आपका समावयवी नहीं कहलाएगा, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो। क्लियर हो गई बात, बाकी तरंग प्रकाशिकी में अच्छे से पढ़ाया जाएगा तब और क्लियर होगा, और इसकी एडवांस क्लासेस लेके और समझाएंगे, बट बोर्ड्स के हिसाब से परफेक्ट है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको खुद दूंगा, टेस्ट लूंगा इसका एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों ये मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी कि मैं समावयवता नाम के चैप्टर का जो इतना टॉपिक का जो इतना हवा बना हुआ है उसको खत्म करूं, और आपको एकदम कूल होकर के ये टॉपिक समझाऊं। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर उस बच्चे को समझ में आए जिसके बेसिक कमजोर भी हो वो भी पकड़ सके। इसलिए जहां पर भी मुझे लगा कि बहुत डीप में जाने की जरूरत है, वहां पे मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए हट गया क्योंकि यहां पर अगर आपको कंफ्यूज हो गए तो टॉपिक आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए आपको जिस तरह से मैंने पढ़ाया है वैसे नोट्स बनाइएगा, बने बनाए नोट्स आप नीचे ले सकते हो, इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि कैसे एग्जाम में लिखना है। और अब तो मुझे उम्मीद है कि समावयवता आपके दिमाग में छप गया होगा और ये टॉपिक आपके लिए मक्खन हो गया होगा। अगर ऐसा है तो केवल 2 मिनट का समय निकालना है आपको मेरे लिए, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब करना है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है आज के ज्ञान के लिए।
समझ में आया है तो लाइक करना और कमेंट करके जाना, एक मिनट का समय लगेगा, थोड़े बहुत हाथ चला देना, कमेंट कर देना, उसके पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अपनी भावनाओं को कमेंट में लिखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और भी वीडियोस को जाके प्लेलिस्ट में देखना, आपको बहुत मजा आएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन, और नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके आप एप्लीकेशन में जाके नोट्स परचेज और टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।